महाराज। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। सारे इलाका निवासियों नूं यही अपील है कि जो कोरोना महामारी चल रही है उहदा जो भी हिदायतां सानूं डाक्टरां वल्लों मिल रही ने उहदा वध तों वध पालन किया जाए और अपना जिहड़ा इम्यून सिस्टम है उहनूं वधिया रखा जाए, क्योंकि हुण पिछले कई दिनों तो बीमारी जिहड़ी है वह काफ़ी जिहड़े मरीज आ रहे हैं और आपां नूं जिन्ना वध तों वध इस बीमारी का परहेज रखा जाएगा उन्ना ही सब तो अच्छा है। जी महाराज, करोना के दौर है, करोना के दौर के किस तरह नाल तुहाडे कोल मरीज आ रहे और तुसीं काफ़ी देर तो एक जगह पर बैठ के इलाज कर रहे हो, इहनूं लैके की कहोगे जी? करोना के मैं तो क्योंकि मेरी जिंदगी दे विच तो पहली बारी ये इन्ना बड़ा संकट पूरी दुनिया से आया है, अगे मैंने कदे देखा नहीं और मेरी जिंदगी दे विच ये पहली बारी होया है कि मैनू इन्ना समा, मतलब अज तकरीबन 5 महीने तो उपर समा हो गया है कि एक थान पर रुके हुए हैं। बहुत ही अजीब लग रहा है क्योंकि मैं साल दे विच असी 15 रोजा जिहड़े 20 तों 22 कैंप लाने होंदे सी और पूरे देश दे विच जाके सेवावां देनियां सी, वह ठप होईयां पईयां ने। बहुत मतलब औखा जिहा लग रहा है एक थान पर रहना, क्योंकि इन्ने समय के दरमियान असी बड़ी संगत नूं मिलना सी, इलाज देना सी और इस इलाज जो कि प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार करना सी, पर एक थान पर रुकना पै गया। लेकिन सब तो वड्डी एक खुशी की गल ये रही कि इत्थे जिवें जिवें लॉकडाउन खुलता रहा तो संगत आउंदी रही और उहदा असी इलाज करते रहे। तकरीबन 2000 के करीब रोगियों का इलाज किया अलग अलग बीमारी से। इहदे विच ज़्यादा 100 तो उपर जिहड़ा पेशेंट है वह पैरालाइसिस का अधरंगदा है, उन्हां दा इलाज किया और सब तो वड्डी खुशी की गल है कि उन्हां दा इलाज करन तो बाद सारयां नूं फायदा होया। वह बेचारे कईयां नूं चक के लैके आए से तुर के गए ने और तकरीबन 25 तों 30 बच्चे जिहड़े बीट एलर्जी दे आए वह भी ठीक हो गए और अच्छा उन्हां नूं रिजल्ट मिलिया। और इहदे नाल नाल बाकी जिहड़े जनरल जिवें बीमारियां सी, कमर दी, सिर दर्द दी, गोडियां दी, पेट संबंधी कोई बीमारी सी, उन्होंने भी वधिया इलाज देन का सानू मौका मिलिया। लेकिन एक थान पर रुकना बड़ा बड़ा ही औखा होया पे और देश से बहुत बड़ा एक तरह का यह संकट है। तो सारे यही साड़ी बेनती है कि आप दे घरे रह के भी आप जो प्राकृतिक नियम ने, कुदरती निजम ने, आप तोड़ना नहीं है। सवेरे जल्दी उठना, समय से सोना और छोटे मोटे जो भी काम ने आप करते रहिए। आपने वेले टाइम नहीं बैठना, कोई ना कोई छोटा मोटा काम जिहड़ा है वो आप करते रहिए ताकि घर बैठ के आप मतलब एक तो वेलड़ ना हो जाइए, एक बीमार ना हो जाइए किसी तरह की, क्योंकि ज़्यादा देर बंदा जो बैठता है तो हो सकता है किसी तरह की कोई बीमारी भी आपको घेर सकती है। तो वो बचाव लिए आपको जोड़े कुदरती नियम और सामाजिक जोड़े नियम ने उन्हों की पालना आपू जरूर करते रहना।